Everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, in this video, we are going to discuss about the meaning of promoter and its types. यहाँ पे हम बात करेंगे कि promoter कौन होता है, who is promoter और इसके types क्या हैं, ठीक है? तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि who is promoter, promoter कौन है? तो यहाँ पे डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, अ पर्सन हु टेक नेसेसरी स्टेप टू फॉर्म अ कंपनी इज कॉल्ड प्रमोटर. मतलब ऐसा इंसान जो एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए जितने भी स्टेप होते हैं, ज़रूरी स्टेप होते हैं, उनको लेता है, वो क्या होता है, आपका प्रमोटर होता है. जो ये बात इसमें कही गई है, ठीक है. कंपनी एक्ट जो 1956 का था, वो प्रमोटर को कहीं भी डिफाइन नहीं करता था कि प्रमोटर क्या होता है. तो हम लोग ले मैन के अकॉर्डिंग या हम कहें कि एज अ जो हमारा प्रचलन में चला आ रहा था, हमको यही लगता था कि हाँ, प्रमोटर वही है जो एक कंपनी को फॉर्म करने में जितने भी स्टेप होते हैं उनको क्या करता है, करता है. कंपनी एक्ट नहीं बता रही थी कि कैसे क्या है. बट जो कंपनी एक्ट 2013 आया, उसने कंपनी एक्ट ने प्रमोटर को क्लियरली क्या किया, आपका डिफाइन किया. अब डिफाइन क्या किया वो देखेंगे. यहाँ पे इसने तीन बातें बताईं. ये तीन बातें ये बताएंगी कि प्रमोटर कौन होता है. अगर कोई पर्सन इन तीनों में से एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रमोटर हो जाएगा. तो आपको इसको बिल्कुल अच्छे से समझना है कि कंपनी एक्ट के सेक्शन 269 में क्या बात कही गई है. सो ये है आपका पहला पॉइंट. अ पर्सन हु हैज़ बीन नेम्ड एज सच इन अ प्रोस्पेक्टस और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन एनुअल रिटर्न इन सेक्शन 92. मतलब कोई भी पर्सन जिसका जो कंपनी का प्रोस्पेक्टस उसमें नाम है. प्रोस्पेक्टस क्या होता है, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स जो है वो लिखी होती हैं, कि कंपनी के बारे में जितनी भी जानकारी है कि कौन क्या है, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपकी प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है. अगर कंपनी के प्रोस्पेक्टस में एक पर्सन है लाइक मेरा नाम एज अ निहारिका लिखा हुआ है कि आई एम प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी, तो मैं क्या हूँ, प्रमोटर उस कंपनी की बन जाऊंगी. अगर मेरा नाम प्रोस्पेक्टस में एज अ प्रमोटर लिखा हुआ है, या जो एनुअल रिटर्न होता है, कंपनी एनुअल रिटर्न फाइल करती है, अगर उसमें भी मेरा नाम एज अ प्रमोटर मेंशन है, तो मैं उस कंपनी की क्या हो जाऊंगी, प्रमोटर हो जाऊंगी. तो पहली कंडीशन ये है. तो अगर प्रोस्पेक्टस में नाम है तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, प्रमोटर हो जाएगा. नेक्स्ट कंडीशन जो आपकी आती है, अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता तो दूसरी क्या चीज़ होगी जो उसको प्रमोटर बनाएगी, वो है कि अ पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेदर एज अ शेयर होल्डर डायरेक्टर और अदरवाइज. मतलब कि अगर कोई पर्सन है उसका कंपनी के अफेयर्स में, मतलब कि कंपनी की कोई भी चीज़ें हो रही, जो बातें चल रही हैं उसमें अगर कंट्रोल है, या तो डायरेक्ट कंट्रोल हो. मतलब कि डायरेक्ट कंट्रोल कैसे होगा, अगर मैंने किसी कंपनी है उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर लाइक 50% से ज़्यादा शेयर होल्डर मेरे हाथ में है, तो मेरा उस कंपनी पे पूरा का पूरा डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो होने वाला है. उसके सारे फंक्शंस, सारी चीज़ें जैसे जा रही हैं मुझे पूरी पता होगी, मैं उसको गाइड करूँगा, बिल्कुल मेरा डिसीजन जो होगा उनको बाइंड करेगा, ठीक है. इनडायरेक्टली भी मेरा कंट्रोल हो सकता है. सपोज करें मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ने दूसरी कंपनी जिस पर मैं कंट्रोल पाना चाह रही हूँ उसको खरीदा, तो मैं एज अ थर्ड पर्सन हो गई. बट सिंस मेरी कंपनी ने खरीदा है दूसरी कंपनी के शेयर होल्डर 50% से ज़्यादा या 80%, तो अल्टीमेटली तो कंट्रोल मेरे ही हाथ में आने वाला है ना, शेयर होल्डर तो मैं ज़्यादा वाला बनने वाला हूँ. तो ये क्या हो जाएगा, आपका पर्सन जो होगा वो प्रमोटर बन जाएगा. या तो डायरेक्टर, डायरेक्टर में अगर आपका नाम शामिल है, ठीक है. मतलब कि अगर आप जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के हैं, उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपके पास चांसेस हैं कि आप ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप अपॉइंट कर रहे हैं. लाइक कोई कंपनी है जिसमें 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं और मैं 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने का राइट रखती हूँ, तो मैं क्या बन जाऊँगी, उस कंपनी का प्रमोटर बन जाऊँगी. तो दो कंडीशन अगर इस केस में सेटिस्फाई होती है कंपनी के कंट्रोल में, तो मैं कहूँगी प्रमोटर. तो कंट्रोल कैसे आ रहा है, या तो आप शेयर होल्डर ज़्यादा वाले हों, या तो आप डायरेक्टर को अपॉइंट ज़्यादा कर रहे हैं, तो भी आप क्या है, कंपनी के प्रमोटर बन जाएंगे. थर्ड कंडीशन जो आपकी कंपनी देती है, पर्सन हु इज इन एग्रीमेंट विद दोज एडवाइस डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू एक्ट. मतलब कि अगर मेरे पास ये राइट है कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है कंपनी के, उनको क्या कर रही हूँ, बता रही हूँ कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ऐसे करना है, इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, और वो उसको पूरा फॉलो अप कर रहे हैं, तो मैं क्या हूँ, उस कंपनी के प्रमोटर हूँ, ठीक है. तो कंपनी एक्ट कहती है अगर इन तीनों में से आप कोई भी एक बात, या अगर आप चारों कर लेते हैं, तीनों कर लेते हैं तो भी अच्छी है, लेकिन अगर कोई एक भी चीज़ सेटिस्फाई करें तो आप उस कंपनी के प्रमोटर कहलाए जाएंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, तो क्या एक पर्सन जो आइडिया लाता है बिजनेस का वो ही प्रमोटर हो सकता है, कि बीच से भी आ सकते हैं, क्योंकि आपने जो कंडीशन बताई उसमें तो आपके शेयर होल्डर भी ज़्यादा खरीद ले तो भी मैं प्रमोटर बन गया, तो ये क्या, तो हाँ,
कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास आइडिया आया है तो ही आप प्रमोटर हैं, आप प्रमोटर बाद में भी बन सकते हैं। हो सकता है कि कोई कंपनी है जो बहुत पहले इस्टेब्लिश हो गई, मैंने आज उसके 80% शेयर खरीद लिए तो मैं आज ही उसका प्रमोटर बन गई। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप आइडिया लाए हैं, आपने पूरी इनकॉर्पोरेशन कराई है तो ही वो एक कंडीशन है प्रमोटर बनने की। प्रमोटर बनने की ये 3 कंपनी एक्ट के तहत कंडीशन जो है वो आपकी हो सकती हैं, ठीक है। तो यही वाला क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन आया आपके माइंड में कि स्टार्टिंग से ही ज्वाइन करना जरूरी है, नहीं, स्टार्टिंग से भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, मिड में भी आ सकते हैं। हो सकता है मेरा ही आइडिया है, मैंने ही अपनी कंपनी स्टार्ट की है तो मैं स्टार्टिंग से हूँ, मैंने पूरा इनकॉर्पोरेशन कराया है। बट हो सकता है किसी कंपनी ने, जैसे कि आप एग्जांपल ले लें कि धीरू भाई अंबानी ने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, आइडिया उनका था, तो प्रमोटर तो वो थे, बट उनकी डेथ हो गई तो क्या प्रमोटर का ख़त्म हो जाएगा? नहीं, अब उनकी फैमिली प्रमोटर है तो वो बीच से आ गई ना। तो ये हो सकता है कि प्रमोटर जो है वो स्टार्टिंग से भी हो सकता है और मिड से भी हो सकता है। अब आपने इतना पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया तो अब आपको टाइप समझने में दिक्कत जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि अगर कोई बीच से भी आ जाएगा तो वो भी प्रमोटर होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कितने टाइप्स के आपके प्रमोटर होते हैं। तो सबसे पहला प्रमोटर आता है आपका प्रोफेशनल प्रमोटर। नाम देखिए, प्रोफेशनल मतलब जिसका काम ही है प्रमोशन करना, कंपनी के फॉर्मेशन में हेल्प करना, उसका इनकॉर्पोरेशन करा देना, वो क्या है, आपका प्रोफेशनल प्रमोटर है। कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के पहले बहुत सारे काम होते हैं, आपको पता है बहुत सारे काम होते हैं। कंपनी का आइडिया लाना, नेम सोचना, फीजिबल है आइडिया या नहीं ये पता लगाना, लोग इकट्ठा करना, मतलब कि जो डायरेक्टर बनेंगे आपके कंपनी के, पहले जो पैसा पहले लगाएंगे वो, फिर कैपिटल रेज करना, रजिस्ट्रेशन कराना, कमेंसमेंट में लाना, सर्टिफिकेट कमेंसमेंट पाना, तो ये सारे काम होते हैं। तो प्रोफेशनल प्रमोटर क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, मतलब इनको पता है कि कैसे कंपनी को कराना है, इनको एक एक्सपीरियंस है इस बात का। तो ये स्पेशलिस्ट होते हैं किसी नए वेंचर को प्रमोट करने में, ठीक है। तो ये क्या है, आपके प्रोफेशनल प्रमोटर हैं। क्यों करते हैं, दे डू इट ऑन अ होल टाइम बेसिस एज देयर ऑक्यूपेशन। इनका प्रोफेशन, इनका ही ऑक्यूपेशन है, ये इससे पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो ये इनका काम ही है होल टाइम बेसिस में, ऐसा नहीं कि कभी आइडिया आया, हाँ चलो ये पार्टिसिपेट कर लेते हैं, इस कंपनी को फ्लोट करा देते हैं, ऐसा नहीं है। इनका ये काम ही है, ये बहुत सारी कंपनीज को टाइम टू टाइम फ्लोट कराती रहती हैं, उनका इनकॉर्पोरेशन में हेल्प कराती रहती है। हमें भी अगर अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना तो हम प्रोफेशनल प्रमोटर की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सारी चीज़ें करती है, पर्सन फाइंड आउट करती है कि जो उसमें पैसा लगाएगा, ठीक है, जो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने को तैयार होगा, फिर ये जो मैनेजमेंट होता है वो उनके ओनर या शेयर होल्डर को पास कर देते हैं, और न्यू वेंचर में, मतलब कि दूसरी कंपनी के प्रमोशन में हेल्प करने के लिए ये मूव ऑन कर जाते हैं, एज इनका ये क्या है, प्रोफेशन है कि कंपनी को उनको क्या कराना है, प्रमोट कराना है, ठीक है। तो इनका नाम आप, अब 3 कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन में अगर ये सेटिस्फाई करा रहे हैं कंपनी एक्ट के तहत, तो ये क्या है, आपके प्रमोटर बन जाएंगे। नेक्स्ट आता है ओकेशनल प्रमोटर। ओकेशनल प्रमोटर क्या होते हैं, प्रमोटर हुआ नॉट इन्वॉल्व इन प्रमोशन वर्क ऑन रेगुलर बेसिस। जैसे कि प्रोफेशनल प्रमोटर का क्या काम है कि उनका काम ही है कि उनको प्रमोशन कराना है, ये कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में हेल्प करना है, फिर वो कंप्लीट हो गया, उनका कंट्रोल जो पूरे ओनर्स हैं उनको दे दिया अपॉइंट करने के बाद, अब मूव करके दूसरे कंपनी के प्रमोशन कराने, प्रमोटर वो रहेंगे, जिम्मेदार वो रहेंगे। ओकेशनल प्रमोटर क्या होते हैं, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं, ये जैसे कि उनको इनका इंटरेस्ट होता है, जैसे कि इनको अच्छा लगता है कि किसी कंपनी के फ्लोट में हेल्प करे। फ्लोटेशन कंपनी का मतलब कि कंपनी का नेम क्लॉज डिफाइन करना, फिर उसके मेमोरेंडम एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन, ये सब बनाना, फिर मतलब कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाना, इनको इंटरेस्ट है। तो ये ओकेजनल प्रमोटर मतलब कभी कभी करना चाहते हैं, यानी कि इनका प्रोफेशन ही है, एक को छोड़ के दूसरे में जाएंगे। इनका प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, बट अगर इनको इंटरेस्ट है इस चीज़ में तो ये एज अ प्रमोटर वर्क कर सकते हैं। सपोज आई एम अ टीचर, अगर मुझे कोई इंटरेस्ट है कि मैं किसी कंपनी के प्रमोटर बन जाऊँ, उसके इनकॉर्पोरेशन में हेल्प कराऊँ, उसका नाम, मेरा भी नाम उसके प्रोस्पेक्टस में एज अ प्रमोटर मेंशन हो, तो आई कैन बी अ प्रमोटर या शेयर होल्डर मैं उसके ज़्यादा ले लूँ, तो मैं भी उसका क्या बन सकती हूँ, प्रमोटर जो है वो बन सकती हूँ। तो ये हो गया आपके ओकेजनल प्रमोटर, इनका कोई फिक्स वर्क नहीं है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्रमोटर। फाइनेंशियल प्रमोटर क्या होता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कभी कभी क्या करते हैं, प्रमोटर का काम करते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, इन लोगों को क्या है कि ये गाइड करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब पैसों की भी मदद कर देते हैं किसी नए वेंचर को लॉन्च करने में, मतलब कोई कंपनी है उसको आपको फॉर्मेशन में लाना है तो आप फाइनेंशियल प्रमोटर की हेल्प ले सकते हैं। ये कैपिटल रेज करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि एज आपको पता है कि कंपनी के पहले क्या होता है, आपको कैपिटल रेज करनी होती है, देन आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, एज अ मतलब बन पाती है। तो ये उस चीज़ में गाइड करते हैं, टाइम टू टाइम हमें हेल्प करते हैं, तो ये भी हमारी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में हेल्प कर रहे हैं, नए एंटरप्रेन्योर के साथ कोलैबोरेट करते हैं ताकि वो हमारे कंपनी को प्रमोट कर पाएँ, कि वो उनको कहें कि हाँ आप इनके शेयर खरीदें, है ना, उनको मतलब अच्छी तरीके से कर पाएँ,
मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं हमारे एक्सपर्ट, जो हमें टेक्निकल असिस्टेंस है वो देते हैं एंटरप्राइज को। तो इस तरीके से क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्रमोटर भी हमारे प्रमोटर जो है वो बन सकते हैं। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, कोई भी बैंकिंग सेक्टर का चीज़ हो सकती है जो हमारे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में हेल्प कर रहा, तो वो क्या आपका फाइनेंशियल प्रमोटर होगा। नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योरिंग प्रमोटर, जो कि आपने सुने ही है। जैसे कि मैं हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर, मेरे दिमाग में आइडिया है कि मुझे, हाँ मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है। मैंने ग्राउंड लेवल पे सारे काम करे, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या नेम होगा, क्या आर्टिकल एसोसिएशन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैंने अपॉइंट किए, मैंने पूरा अल्टीमेटली मेरे हाथ में उसका पूरा कंट्रोल है, शेयर मेरे ज़्यादा हैं या मेरा प्रॉस्पेक्टस में नाम है, तो मैं क्या हूँ, एंटरप्रेन्योर प्रमोटर हूँ। ये शुरुआत से बिल्कुल आइडिया आया है, उसके बाद से ही आपसे जुड़ गए हैं और आपको मैनेज कर लें। लाइक टाटा अंबानी धीरूभाई अंबानी को आइडिया आया, उन्होंने पूरा ग्राउंड लेवल वर्क किया, अपना इनकॉर्पोरेशन की कंपनी खड़ी कर दी, तो ये क्या है, एक प्रमोटर है, राइट। तो ये एंटरप्रेन्योर प्रमोटर होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं और प्रमोटर भी होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट प्रमोटर क्या होते हैं, गवर्नमेंट, बहुत सारी गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, प्रमोटर की तरह काम कर रही, मतलब एक कंपनी को फॉर्मेशन में हेल्प कर रही, उसका इनकॉर्पोरेशन में हेल्प कर रही है, तो वो क्या है, आपकी गवर्नमेंट प्रमोटर है। ये नए बिजनेस को फ्लोट कराए, मतलब उनकी बिल्कुल जो भी काम है कि उनका रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, नेम क्लॉज हो गया, फिर आर्टिकल एसोसिएशन, मेमोरेंडम एसोसिएशन, इन सारी चीज़ों में वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ये क्या है, आपके गवर्नमेंट प्रमोटर है। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर और ज्वाइंट सेक्टर जहाँ पे बहुत सारा कैपिटल रिस्क इन्वॉल्व होता है, हमने पढ़ा भी है कि वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, उनको फॉर्म करने में हेल्प करती है, उनको फॉर्म करती है, तो ये क्या है, गवर्नमेंट प्रमोटर है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, HMT, बेल, सेल, ये क्या है, ये यूनिट जो है वो गवर्नमेंट ने सेटअप की है, गवर्नमेंट ने इसको सारा इनकॉर्पोरेशन वर्क कराया है इन कंपनीज का, तो क्या है, गवर्नमेंट यहाँ पे एज अ प्रमोटर जो है वो आपका वर्क कर रही है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखे कि आपके कितने टाइप्स के प्रमोटर होते हैं, राइट, और हमने डिस्कस किया प्रमोटर की मीनिंग क्या होगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, देन प्लीज़ लाइक, रिटर्न एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।